अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वरकातुहु। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप तमाम लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम सऊदी अरब की कुछ बड़ी और इम्पोर्टेंट खबरें जो हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। आज 1 अगस्त है और आज से सऊदी अरब में कुछ नए कानून जो है वो लागू किए जा रहे हैं और भी कुछ अपडेट है जो आप लोगों के साथ शेयर की जाने वाली है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ी और इम्पोर्टेंट होने वाली है। पहली अपडेट ये है कि सऊदी अरब के अंदर आज से किसी भी तरह की अगर आप मार्केट के अंदर जाना चाहते हैं, चाहे वो बाल कटाने के लिए हो या फिर कोई सामान वगैरह ख़रीदना है, आपको मार्केट के अंदर जाना है तो ज़रूरी है कि आपने एक वैक्सीन लगवा ली हो। अगर आपने एक भी वैक्सीन नहीं लगवाई है तो आपको जो एंट्री है वो नहीं मिलेगी। यानी मार्केट में एंट्री करने से पहले ही आपका जो तवक्कलना है वो चेक किया जाएगा, उस पर देखा जाएगा कि आपने वैक्सीन लगवा रखी है या नहीं लगवा रखी है, उसके बाद ही आपकी एंट्री जो है वो दी जाएगी। तो ये कानून जो है वो आज से सऊदी अरब के अंदर लागू हो चुका है कि आज से सिर्फ उन्हीं लोगों को आप किसी भी शॉपिंग सेंटर, किसी भी रेस्टोरेंट या किसी भी कैफ़े या फिर बाबर शॉप या कहीं पर भी आप जा रहे हैं तो वो चेक करेंगे कि आपने वैक्सीन की एक डोज या दोनों डोज लगवा ली है या नहीं लगवाई है। आपके तवक्कलना से वो चेक करेंगे और उसके बाद फिर ही आपको एंट्री करने की परमिशन दी जाएगी। अगर आपने चाहे एक डोज लगवाई हो या चाहे दोनों डोज लगवा ली हो तभी आपको एंट्री करने की परमिशन दी जाएगी। जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई है उन तमाम लोगों की आज से एंट्री जो है वो बंद हो जाएगी। तो ये एक बड़ी खबर है, सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाए कि जिन भाइयों ने वैक्सीन नहीं लगवाई अभी तक वो तमाम लोग वैक्सीन लगवा लें क्योंकि आज से आप तमाम लोग जो है वो किसी भी तरह की शॉपिंग सेंटर या फिर कहीं पर भी आप एंट्री नहीं कर सकते हैं बिना वैक्सीन लगवाए। इसके अलावा आपको बता दें कि आज से जो है ये भी कानून सऊदी अरब के अंदर लागू हो चुका है कि 49 देशों से जो लोग हैं वो टूरिस्ट वीज़े पर भी सऊदी अरबिया आ सकेंगे। यानी आज से जो है वो 49 देशों के लिए टूरिस्ट वीज़े का जो सेक्टर है वो ओपन कर दिया गया है। आज से 49 देशों के लोग सऊदी अरबिया टूरिस्ट वीज़े पर आ सकेंगे। ये भी कानून आज से सऊदी अरब के अंदर लागू हो चुका है। इसके अलावा आज से सऊदी अरब के अंदर, यानी आज 1 अगस्त है और आज से सऊदी अरब के अंदर जो दवा तैयार करने वाली कंपनियां होती हैं, यानी जो मेडिसिन तैयार करने वाली कंपनियां होती हैं, उनसे ये कहा गया है कि जो उनके ऊपर ये पाबंदी लगाई गई थी कि वो जो भी दवा तैयार करें उसकी कीमत ज़रूर लिख दें, ये पाबंदी जो है वो आज से ख़त्म कर दी गई है। यानी ये जो कानून है वो आज से ख़त्म किया जाता है कि वो दवा के ऊपर कीमत लिखें या ना लिखें, अब आज से ये कानून जो है वो ख़त्म कर दिया गया है। बताया गया है कि दवा की जो कीमत है वो जानने के लिए तमीनी एप्लीकेशन जो है वो लॉन्च किया गया है। तमीनी एप्लीकेशन के जरिए जो है वो अब दवा की कीमत जो है वो सऊदी अरब के अंदर चेक की जा सकती है और हर एक बंदा जो है वो तमीनी एप्लीकेशन ओपन करके दवा का जो प्राइस रेट है वो चेक कर सकता है अपने मोबाइल फ़ोन से। क्योंकि दवा का जो बॉक्स होगा उसके ऊपर QR कोड दिया जाएगा और QR कोड के जरिए से आप जो प्राइस रेट है दवा की वो आप चेक कर सकते हैं। अगली अपडेट ये है कि सऊदी अरब के अंदर, जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी अभियान चलाया जा रहा है और बताया गया है कि 22 जुलाई से 28 जुलाई के दौरान 12,000 से ज़्यादा लोगों को सऊदी अरब के अंदर गिरफ्तार किया गया है जो इलीगल तरीके से मौजूद थे। अखबार 24 के मुताबिक बताया गया है कि 4,151 कानून के खिलाफ वर्जी करते हुए गिरफ्तार किए गए हैं, जबकि 7,400 जो सरहद पार करके सऊदी अरब में आए हुए थे उन लोगों को यहां पर गिरफ़्तार किया गया है, जबकि 991 लोगों को जो लेबर कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे थे, यानी अपने कफील या अपने कफील से अलग काम कर रहे थे या फिर अपने प्रोफेशन के मुताबिक काम नहीं कर रहे थे, जिसको गिरफ़्तार किया गया है। तो आप तमाम लोग भी इस चीज़ का ख्याल जरूर रखें कि अभी सऊदी अरब के अंदर जो इलीगल तरीके से लोग मौजूद हैं उनकी गिरफ़्तारी जो है वो काफ़ी ज़्यादा तेज कर दी गई है और काफ़ी ज़्यादा लोगों को यहाँ पर गिरफ़्तार किया जा रहा है। तो अगर आपके पास इकामा वगैरह नहीं है तो आप बाहर निकलते वक्त काफ़ी ज़्यादा एहतियात बरतें और कोशिश करें कि अपना इकामा जो है वो जल्द से जल्द बनवा लें, क्योंकि अगर आप पकड़े जाते हैं तो आपको जो है वो बंद कर दिया जाएगा जेल में, उसके बाद आपको सऊदी अरब से डिपोर्ट भी कर दिया जाएगा। यानी कि जिन लोगों को गिरफ़्तार किया जा रहा है उन लोगों को उनके एम्बेसी से कॉन्टेक्ट करके जो उनका सफरी दस्तावेज है वो तैयार करने के बाद उनको सऊदी अरब से डिपोर्ट भी
कर दिया जाता है, फिर वो सऊदी अरब कभी भी वापस नहीं आ सकते हैं, सिर्फ हज और उमरा करने के लिए आ सकते हैं, बाकी काम के सिलसिले में वो सऊदी अरबिया नहीं आ सकते हैं। तो ये दोस्तों आज की सऊदी अरब की कुछ बड़ी और इंपॉर्टेंट खबरें जो आप लोगों के साथ शेयर की गई। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आई वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको सऊदी अरब के हवाले से जो भी ताज़ा तरीन जानकारी होगी वो आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर की जाती रहेगी। चलिए अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तरक्की, अपना ख्याल रखिए, खुदा।